Hi guys, the major question as of now coming up, sir, I am lost because I am preparing for the multiple MBA entrance examination. Like I am preparing for the CAT 2022, CET 2022 and MAT SNAP, but at the same time I am targeting for the CET 2023, also CMAT 2023, TIS 2023 also. So what are the syllabus I should prepare and how to tackle all the areas, because CAT के अंदर GK नहीं है, CAT के अंदर logic भी अलग type का आएगा, puzzle आएंगे, CET के अंदर puzzle arrangement भर भर के है, logic भर भर के, so different exams है और syllabus भी अलग अलग prepare करना है, so थोड़ा सा lost हूँ, क्या करें यहाँ पे, so very first to all of them, let me tell you, it is good, you have a backup, you are writing for the multiple entrance examination, वो एक अच्छी न्यूज़ है अपने पास, ठीक है ना, बिकॉज सिर्फ कैट लिख के मेरा एम बी ए के कॉलेज में हो जाएगा कोई गारंटी नहीं है, ओके, सो लेट मी टॉक अबाउट सेक्शन बाई सेक्शन. मैथ्स का जो सेक्शन है, इफ़ यू आर टारगेटिंग फॉर द कैट या तो सी ई टी अभी 2022 वाला लिख रहा जो अगस्त में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उस वो एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करो, जो लेवल का मैथ्स आप प्रिपेयर कर रहे हो मतलब परफेक्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अरिथमेटिक, आपका ज्योमेट्री, ये दो टॉपिक जो है वो कैट में भी आएंगे और सी ई टी में भी आएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना. कैट में जो एडवांस लेवल के टॉपिक आएंगे, जैसे कि आपका हो गया मैक्सिमम मिनिमा, हो गया आपका इनइक्वालिटी, हो गया लॉगरिथम, हो गया, ठीक है, लॉगरिथम का थोड़ा एडवांस लेवल वहाँ पे आपको मिलेगा. उसके बाद आपके सेट थियरी वाले क्वेश्चंस हो गए, फंक्शंस वाले क्वेश्चंस हो गए, है ना. तो अपार्ट फ्रॉम द अरिथमेटिक, ये सारे टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे, बट अरिथमेटिक में भी कैट के लेवल में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है जो कि सीईटी में नहीं है. तो आप जो लेवल का सीईटी प्रिपेयर कर रहे हो, वेल एंड गुड. सो आप जो लेवल का क्वांट प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपके कैट और सीईटी में दोनों में काम आने वाला है. इनफैक्ट एनपैट लिख रहे हो, इनफैक्ट अगर आप एनमैट लिख रहे हो, स्नैप लिख रहे हो, आईएफटी लिख रहे हो, एक्सेटी जैट लिख रहे हो, इपसैट लिख रहे हो, मैट लिख रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीमैट लिख रहे हो, सब में ये चलेगा. लास्ट में जो प्रिपेयर नहीं करना चाहिए सेक्शन, वो है आपका इंग्लिश. वर्बल यू कैन नॉट इम्प्रूव ओवर द नाइट और मे बी इन अ मंथ और टू, इट टेक्स टाइम, इट इज़ इनफैक्ट डैन डिफिकल्ट टू इम्प्रूव योर वर्बल सेक्शन, एंड फॉर दैट रिग्रस रीडिंग इज रिक्वायर्ड. इन एडिशन टू दैट, वोकैब वर्कआउट एंड द बेसिक ऑफ ग्रामर शुड बी इंटैक्ट. So, for English, I keep on saying, do the maximum reading. मतलब द हिंदू न्यूज़पेपर हो गया आपका, नॉवेल्स हो गए आपके, प्लस और भी रीडिंग करना है तो न्यूयॉर्क टाइम न्यूज़पेपर यू कैन रिफर दैट एज वेल, या तो फिर टफ लेवल के जो आर्टिकल्स आते हैं गूगल करोगे तो वो टाइप के आर्टिकल्स को रीड करो, एंड एक आर सी एटलीस्ट डेली का सॉल्व करने का प्रैक्टिस रखो, या तो फिर वीक में तीन आर सी भी सॉल्व किया, दैट इज़ ऑल्सो गुड. तो ये आपको थोड़ा सा रीडिंग वाला पार्ट है ना, वो अभी से चालू करना पड़ेगा, बिकॉज इन एवरी एग्जामिनेशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन दे डू आस्क. कैट में तो मतलब उसका वेटेज ज़्यादा ही है, ओके, हर एग्ज़ाम में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा आपको, ग्रामर के रूल्स पता होना चाहिए आपको, एंड वोकैब के लिए वर्ड पावर मेड इज बहुत अच्छा टाइम है. यू हैव एज ऑफ नाउ मे इज़ ऑन गोइंग, तो आपके पास काफ़ी डिसेंट टाइम है वोकैब कम्प्लीट करने का, ठीक है ना. सो वर्बल लास्ट में मैं एडवाइस नहीं करूँगा, डे वन से आपको वर्बल चालू कर देना है. एंड मैथ्स में मेजर फोकस हैज़ टू बी अरिथमेटिक. अरिथमेटिक व्हेन आई से लाइक परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, एजेस, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है. अगर ये एरिया पे हमने फोकस किया तो लॉस्ट वाली जो फीलिंग है ना वो गायब हो जाएगी, ये दो सेक्शन को लेकर के जो वर्कआउट करना है आपको, मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक, उसके बाद ज्योमेट्री मेंसुरेशन को ले, मेंसुरेशन वाला टॉपिक, और इंग्लिश को आपको डे वन से रखना ही है चालू. एंड तीन चार पाँच महीने बाद लगेगा आपको कि इंग्लिश में जो रीड कर रहा था कंटिन्यूअसली एंड वर्किंग ऑन द ऑल द टॉपिक, बहुत ईजी लगने लगेगा आपको इंग्लिश. इनफैक्ट इंग्लिश ज़्यादा स्कोरिंग है कंपेयर टू मैथ्स, इफ़ यू हैव डन वेल रीडिंग एंड अगर आपने अपनी एक्यूरेसी पर बहुत अच्छे से काम किया है तो, ठीक है. नेक्स्ट इज नथिंग बट द लॉजिक. लॉजिक में कैट लिख रहे हो तो अरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे, पजल आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा. बाकी जो ट्रेडिशनल लॉजिक है आपका और जो आपका क्रिटिकल वर्बल वाला जो पार्ट है वो आपको एम बी ए सी टी में आएगा, सी मैट में आएगा, अदर एम बी ए के एंट्रेंस में आएगा. बट हाँ, क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन भी कैट के आर सी में आपको मिलेंगे, तो वो भी अगर आप करोगे तो बेटर है. बट ट्रेडिशनल लॉजिक जो है वो आपको कैट में नहीं मिलेगा. सो लॉस्ट होने ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे. हाँ, ये बहुत क्लियर है कि हर एग्ज़ाम डिफरेंट बॉल गेम है. तो जैसा मैंने कैट के लिए प्रिपरेशन की है, सिलेबस इज़ ओके, सिलेबस आप जो पढ़ रहे हो वो सही है, ठीक है ना. बट कैट में टफ लेवल के मैथ्स को भी ध्यान में रखना है और टफ लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं. अगर आप सी ई टी लिख रहे हो तो आपके फर्स्ट 30 क्वेश्चन जो मैथ्स में है वो सफिशिएंट है, सी ई टी, सी मैट, एन मैट, स्नैप. बट अगर कैट लिख रहे हो 30 से लेकर के 50 वाले क्वेश्चन भी आप मैनुअल की बुक से करके रखो, ठीक है. And also do aware about the competition and what is my chance to get into the India's top 50, top 30 or top 100 B schools.
जो भी MBA कॉलेज आप टारगेट कर रहे हो, ऑब्वियसली परसेंटाइल आपका स्कोर रैंक हैज़ टू बी गुड, देन ओनली वी गेट दी एडमिशन. सो लॉस्ट बिल्कुल नहीं होना. अगर आपको कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग लो, लग रहा है कि ये होगा, ये कब होगा पता, अगस्त ऑनवर्ड्स, अगस्त एंड के बाद ये फीलिंग आना चालू हो जाएगी यार अब मेरा कैट नहीं होना, तो मैं अभी नॉन कैट वाले एग्जाम पे फोकस करो. अगस्त सितंबर से ये फीलिंग आना आपको चालू हो जाएगी. सो अभी तो मई चल रहा है, वो फीलिंग ना आए आपको तो अभी से मेहनत करना चालू कर दो. वर्बल को डे वन से चालू करो, ठीक है. और मैथ्स के अंदर अरिथमेटिक, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन को थोड़ा सा अच्छे से ग्रिल कर लो. बाकी के टॉपिक हो जाएंगे और सब करना ज़रूरी नहीं है. अपने को एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर परसेंटाइल लेके आना एडमिशन के लिए. तो सिलेबस इज समथिंग जो सब करके जाना नहीं है, तो उसकी स्ट्रैटेजी मैं बाद में दूंगा आपको. बट अभी के लिए सबसे पहले कॉन्फिडेंट हो जाओ, डोंट बी इन द लॉस्ट मोड. एक क्लैरिटी आ जाओ, मुझे ये कॉलेज और इतने सारे ये और एक्स वाई जेड एंट्रेंस लिखने हैं, और हर एंट्रेंस का डिफरेंट बॉल गेम है. सो उसको मैंने बताया हुआ है, कैट में एक्यूरेसी चाहिए, सीटी में स्पीड चाहिए, एंड कैट में मेक श्योर कि एक भी क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होने चाहिए. सी मैट ऑल टुगेदर डिफरेंट बॉल गेम है. तो थोड़ा सा एग्जाम को लेके भी स्टडी कर लो. इनकेस इफ यू वॉन्ट एनी काइंड ऑफ असिस्टेंट वॉन्ट टू जॉइन अस, दैन दिस इज वॉट द नंबर, यू कैन कॉन्टैक्ट आर टीम ऑन दिस नंबर. इफ यू आर मुंबई बेस्ड, देन बोरीवली दादर इन वसई यू कैन विजिट आर सेंटर. एंड फॉर द ऑनलाइन लाइव क्लासेस को लेके 8828581455 ये वाले नंबर पर कॉल कर सकते हो. डिटेल्स रिगार्डिंग दी बुक्स, ऑनलाइन प्रोग्राम एंड क्लासरूम, ऑनलाइन बैचेस डिटेल्स आई हैव मेंशन इन डिस्क्रिप्शन, यू कैन चेक इट. So once again guys, be confident if you are preparing for the MBA, and since you are going into the management domain, so obviously you have to work on your English verbal part, okay? So kindly start working. All the best.